हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तो थोड़े टाइम पहले हमने छोटा सा एक बीच में ऐसा एक टॉपिक डाला था कि HDFC का फास्ट टैग कैसे ले। उसके बाद फिर से हम हमारी जो पुरानी वाली वीडियो है उनको कंटिन्यू करते हैं, यानी कि ऑनलाइन आप कैसे लोन ले पाओगे, वो भी डायरेक्टली थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट सबमिट करके, कम से कम डॉक्यूमेंट के अंदर। तो चले शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है, आप कम सैलरी में कैसे आप ज़्यादा लोन ले पाओगे और कौन सी कंपनी है जो 20,000 से कम सैलरी में भी काम करती है। अगर वो आपके आसपास है तो शायद आपका बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा, लेकिन वो आसपास नहीं है तो कुछ कर नहीं सकते। पर ज़्यादातर मेगा सिटी बड़ी सेंटर में ये कंपनी ऑलरेडी काम कर रही है और मेरे कई DSA हैं जो उधर ये काम कर रहे हैं ये कंपनी के साथ, क्योंकि इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है सिर्फ 16,000 पर मंथ की फिक्स सैलरी वाले। वो किसी भी कैटेगरी के हो, CA1, CAT1, CAT2, कोई भी, मतलब 4CAT तक भी चलेगा तो भी उनको लोन मिल जाता है बिना कोई प्रॉब्लम के। तो चलो हम शुरू करते हैं, कौन सी कंपनी है, क्या एलिजिबिलिटी है और कितने टाइम में आपको लोन मिल सकती है। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता देता हूँ कि इसमें आपको, अगर आपके आसपास ये बैंक या NBFC होगी तो ही आपको ये लागू पड़ेगा। अगर आपसे काफ़ी दूर रहती हो, यानी कि 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर तो शायद आपका हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर केस में वो 60 किलोमीटर के अंदर ही काम करते हैं, उससे ज़्यादा दूर नहीं करते। तो हमारी जो बैंक और NBFC का नाम है फुलरटन इंडिया, तो फुलरटन इंडिया का ये पर्सनल लोन की बात है। हम आगे बिजनेस लोन के बारे में भी बात करेंगे, क्या उसकी पॉलिसी है। तो अभी हम शुरू करते हैं पर्सनल लोन में। तो पर्सनल लोन में आपकी प्राइवेट लिमिटेड LLP या फिर किसी भी तरह की आपकी कंपनी रजिस्टर्ड होनी चाहिए, उसकी आपकी 16,000 की सैलरी स्लिप के ऊपर सिर्फ 3 मंथ की सैलरी स्लिप और 3 मंथ का अपना बैंक स्टेटमेंट आप कर दोगे तो आपको आराम से जो हमारी लोन है वो प्रोवाइड कर देंगे। मिनिमम सैलरी स्लिप 16,000 से स्टार्ट हो जाती है और इसमें भी सेम टू सेम है, KYC नॉर्मल, आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह वगैरह, मतलब 4-5 प्रोसेस। फिर वही सिबिल चेक करके आपको बताएंगे, वेरीफाई करेंगे, फिर आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन के अंदर लोन मिल जाएगी, क्योंकि ये सैलरी स्लिप के ऊपर डायरेक्टली लोन दे देते हैं। इसमें एक्स्ट्रा रहता है कि आप हो सके तो 16 नंबर फॉर्म ऑलरेडी निकाल के रखें। अगर आपके पास 16 नंबर फॉर्म नहीं है, यानी कि आप 1 साल से कम आपने जॉब करी हुई है, तो आपका 1 साल का स्टेटमेंट भी निकाल दो तो भी चलता है ये वाली कंपनी में। और ये ज़्यादातर केस में आपको लगभग 8 से 10 गुना तक ज़्यादा देती है। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ मुझे 10 गुना तक मिलती है, यानी कि अगर मेरा 16,000 सैलरी स्लिप आ रही है तो 16,000 के 10 गुना 1,60,000 रुपया तक मुझे इसमें मिल सकता है। तो ज़्यादातर केस में यही रहता है कि कम से कम सैलरी में बहुत कम लोन लेते हैं। तो शायद आपको अच्छी लगी होगी ये वीडियो, क्योंकि ये शॉर्ट वीडियो बनाने का वो था कि फिर से एक एक बात रिपीट करके कोई मतलब नहीं है कि KYC ये होगी 3-4 टाइप की, प्लस में आप डॉक्यूमेंट ये होगी वो डालें, इससे लंबी वीडियो बना के कोई मतलब नहीं है। तो हम अगली वीडियो पे मिलते हैं जो है फुलरटन बिजनेस लोन।